आज एक क्लिप किसी ने मुझे बताया कि मौलाना तारिक, वो चूंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा फैल गया है, सबको पता चल गया, इसलिए बता रहा हूँ कि मौलाना तारिक अमीर साहब इमरान खान की अहलिया के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक मेज पे वो खातून बैठी हुई है, इधर ये बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। मेरा भी खून पी लिया लोगों ने, जैसे मैं मौलाना तारिक अमीर साहब का गोया छोटा भाई हूँ। लोग कह रहे हैं ये क्या है, उलमा देवबंद ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो मिक्स गैदरिंग है, ये तो ये है, तो ये तो फला है। भाई जब किसी के अमल का ही गलत मतलब निकलता हो, एक सही मतलब, तो शरीयत क्या कहती है? सही मतलब। मिक्स गैदरिंग बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और किसी औरत को तबलीग के लिए जाना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अगर कोई बेपर्दा खातून है, आप उसको तबलीग के लिए उसके घर जाते हो, उसके शोहर की मौजूदगी में उसको समझाते हो, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको एकदम मनफी बना के ना प्रोपेगेंडा कर दिया है, एक राई का पहाड़ बना दिया, जैसे खुदा ना खास्ता वो देखने के लिए गए हुए थे उसको, उनको इमरान खान की बीवी देखनी थी कैसी है। जहालत की बातें हैं या नहीं है? एक आदमी का पता है कि भाई वो ये क्यों करेंगे, वो ये काम औरत को देखने जा रहे हैं, क्या औरत को देखने के दर्जनों जराए नहीं है? इसके लिए इमरान खान के घर जाने की क्या जरूरत है किसी को? लेकिन हमारे अपने भी, गैर तो गैर हैं, अपनों को भी ना चस्के लेने का मौका मिलता है, वो देखो ये क्या कर रहे हो, देखो ये क्या कर रहे हैं। छोड़ो भाई, अपने काम में लगो। एक आदमी दीन की तबलीग कर रहा है, इशाद कर रहा है, उसने बड़े बड़ों को, दिलों को अल्लाह ने उसके जरिए नरम कर दिया, तो उसकी अच्छी अच्छे पहलू को तलाश करो ना उसके, कि भाई इतना दिल है, इतना जिगरा है कि अपनी इज्जत दांव पे लगा के भी। एक साहब ने कहा, इन्होंने किसी बहुत बड़ी तवायफा को अपनी बेटी कहा है, मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में किसी ने बताया कि एक अदाकारा है नाचने वाली, मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा ये मेरी बेटी है। उस पर एक तूफान है बदतमीजी। मैंने कहा खुदा की कसम ये उनका जिगर है, उन्होंने कहा है, मेरा जिगर नहीं है ये उनका जिगर है, ये उनका हौसला है कि दीन की तबलीग के लिए और दीन की इशाद के लिए और एक तवायफा, एक फंकार अदाकार को दीन के करीब करने के लिए उसको अपनी बेटी कह दिया। इसके लिए बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए, बहुत बड़ा जिगर, जो हम जैसों के पास नहीं है। हमें तो अपनी इज्जत की फिक्र होती है, चाहे काम सारे उल्टे कर रहे हों, सुबह शाम फिल्में देख रहे हो उन्हीं तवायफों के, नाच गाने देख रहे हो, मगर जब किसी आलिम ने उसको दीन के करीब लाने के लिए, मोहब्बत ही से दीन फैलता है ना। अगर वो कहे तू जहन्नम ही है तवायफा, तू जाएगी सीधी जहन्नम में, तेरे पे सांप बिच्छू चढ़ेंगे, वो आएगी। तो मेरे भाई ये छोड़ दो, ये व्हाट्सएप पे उलमा की मनफी चीजों को निकाल निकाल के हाईलाइट करना, जहां निकलेगा ना किसी आलिम का कोई थोड़ा सा कोई कमजोर पहलू, उसको एकदम निकाल के उसको तमाशा बना देते हैं, और उस पर तबसरे, फिर खट्टे मीठे तबसरे, ये देवबंदियों के लिए हलाल हो गया, फलाने के लिए हलाल हो गया। छोड़ दो ये चीजें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। जैसे अभी मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का वाक्य बताया, अच्छा पहलू भी निकल सकता है, बुरा पहलू भी। आज किसी खातून का फोन आया कि मेरे शौहर ने कहा देखो मौलाना तारिक जमील साहब भी बैठे हुए हैं, इमरान खान की बेगम उधर को बैठी हुई है, इधर बैठे हुए हैं, तो तुम भी मेरे साथ मिक्स गैदरिंग की शादी में जाया करो। वो खातून पर्दा करती हैं, तो भाई इससे मिक्स गैदरिंग की शादी जहां मर्द और औरत का मखलूत माहौल हो, एक बेहुदा, उसका इस्तदलाल कहां से दुरुस्त हो गया? एक है तबलीग के लिए किसी के पास जाना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बार दफा औरत खवातीन भी आ जाया करती थी आपसे कोई बात पूछने के लिए, क्योंकि नबी अगर भगा देते उनको तो उन खवातीन को कहां से इल्म हासिल होता। तो मिक्स गैदरिंग एक अलग चीज है, किसी औरत का किसी आलिम या मुफ्ती के पास जाना दीन की बात पूछने के लिए, या किसी आलिम मुफ्ती का तबलीग के लिए किसी औरत के पास जाना जबकि तन्हाई में नहीं है, उसका मर्द भी, शौहर भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, तो ये एक बिल्कुल अलग चीज है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़नी, बदगुमानी से बचो। क्या मतलब? किसी की बात के दो मतलब निकलते हो तो अच्छा मतलब तलाश करो, बुरा मतलब, बोलो ना भाई क्या हो रहा है। इसका मैं एक आपको वाकया सुनाता हूँ, बचपन का। एक दफा हमारे जहां तबलीगी जमात आई तो गश के लिए गए, मैं भी साथ चला गया, तो हमने देखा कि वो जिनके यहाँ गश्त के लिए जा रहे हैं ना, वो साहब हमारे सामने अभी गेट से अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने देखा तबलीग वाले आना एकदम अंदर, हमारे अमीर साहब ने देख लिया, दरवाजा बजाया, उनका बेटा निकला, बेटा वो अब्बू को बुलाओ, उन्होंने बेटा गया। अब्बू ने उसको बताया था, ये नहीं कहना कि मैं कह रहा हूँ कि मैं घर पे नहीं हूँ, ये कहना कि अब्बू घर पे नहीं। वो आया कहने लगा अब्बू घर पे नहीं है, हालांकि हमने अपनी आंखों से जाते हुए देखा था। तो अमीर साहब ने फरमाया
कि देखो भाई कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, बदगुमानी से बचो। अभी ये दाखिल तो हुए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि घर में हों, हो सकता है गए हों पानी पी के या वॉशरूम में जाने के लिए आए हों और पीछे गली से निकल गए हों, ऐसा होता है बहुत दफ़ा और अमली तौर पर मुमकिन भी है। बाद दफ़ा एक आदमी घर में आता है, इस दरवाजे से आया और पतली गली वाले दरवाजे से निकल गया। पतली गलियाँ क्यों रखते हैं? पतली गली इसी वजह से होती है कि भाई चौड़ी गली में तो आदमी चौड़े में आ जाता है बाद दफ़ा, तो एक पतली गली भी रखी होती है कि भाई इधर से आएंगे तो तबलीग वाले पकड़ लेंगे, चलो भाई। तो वो पतली गली है कि जब कोई कर्ज मांगने वाला आया या कोई उधार मांगने के लिए आया, अपना वापस दे दो, पतली गली से निकल लो। तो उन्होंने कहा ये झूठ नहीं बोल रहे, ऐन मुमकिन है, निकल गए। तो मुझे उनकी ये बात पसंद आई और कई साल हो गए इस वाक़े को मगर मैं ये वाक़या नहीं भूलता। कैसी प्यारी बात, कैसी प्यारी तालीम। अगर हर मुसलमान